नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। हिप जॉइंट्स, हमारा कूल्हा, कूल्हे में दर्द रहना एक आम समस्या होता जा रहा है और उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण, हम अपने हिप जॉइंट्स से काम नहीं लेते हैं, यानी हमने ज़मीन पर बैठना छोड़ दिया है। हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम कुर्सी पर बैठे रहते हैं या सोफे पर बैठे रहते हैं, हिप जॉइंट का मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता। दूसरा कारण, हम हिप जॉइंट से बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, जैसे कि हम फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं लेकिन हम ट्रैकिंग पर चले जाएं, हम फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं अचानक हम डांस करना शुरू कर दें या बहुत ज़्यादा वॉक कर लें, तो हम अनुभव करते हैं कि हमारे हिप जॉइंट में दर्द होने लगता है। कभी कभी किसी झटके से या जर्क के कारण भी ऐसा हो जाता है। और ओवरवेट अगर आप हैं तो भी हम अनुभव करते हैं कि हमारे हिप जॉइंट में पेन रहने लगता है। समस्या है तो समाधान निश्चित रूप से है, और समाधान भारत योग में छिपा है। मैं बताऊंगी आपको बहुत ही आसान सी क्रियाएं जो आप करेंगे हिप जॉइंट कूल्हे के दर्द की समस्या से दूर रहने के लिए। और अगर आपको कूल्हे में दर्द नहीं है तो भी आप इन क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप इन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे तो ये दर्द आपको कभी होगा भी नहीं। कौन सी हैं वो क्रियाएँ, ये तो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन उससे पहले आज का योग विचार। उस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं, कोई लाभ नहीं जिसे हम समाज के कल्याण के लिए प्रयोग ना कर सकें। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि जितना भी ज्ञान आपको है उससे आप समाज कल्याण करें। आइए जानते हैं वो आसान सी भारत योग की क्रियाएं जो आप करेंगे कूल्हे के दर्द को गुड बाय कहने के लिए। इस प्रकार से पैरों को सामने फैला करके बैठेंगे और राइट लेग को ऐसे फोल्ड करना कि राइट एड़ी आपके लेफ्ट पेट के नीचे के हिस्से को टच करेगी, और उसे अपने लेफ्ट हैंड से ही, अपने लेफ्ट हाथ से, बाएं हाथ से अपने पैर के पंजे को पकड़ लेना, और दूसरा हाथ ऐसे अपने घुटने के नीचे टिकाना जैसे हम बच्चे को गोद में ले लेते हैं, वैसी स्थिति बन जाती है। इस स्थिति में आकर के अप, फिर प्रेस करना डाउन, देन अप एंड डाउन। आप जितना ऊपर ले जा सकते हैं हाथ से प्रेस करके डाउन। ऐसा करते समय आप हिप जॉइंट पर, कूल्हे पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को अनुभव करेंगे। 10 बार ऐसा करना है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। कभी कभी हम बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, ऐसा नहीं करना। दूसरे स्टेप में, दूसरी बार में हम बाएं पैर से इसको सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। 10 बार ऐसा करेंगे, पैर को सामने की ओर फैला देंगे। अगले स्टेप में भी हम पैर को उसी प्रकार से फोल्ड करेंगे और बच्चे की तरह ही इसे ले लेंगे, लेकिन सर्कुलर मूवमेंट देना है। जैसे आप देख पा रहे हैं हम दे रहे हैं क्लॉकवाइज 10 बार और 10 बार ही एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। इसका सीधा सीधा इफेक्ट आप अपने हिप जॉइंट पर फील कर पाएंगे। पैरों की स्थिति बदल लेना, बाएं पैर से इसी को दोहराना, 10 बार क्लॉकवाइज पूरा बड़ा चक्र बनाना और 10 बार ही एंटी क्लॉकवाइज पूरा बड़ा चक्र बनाना, ठीक, पैरों को खोल लेना। अगले स्टेप में क्या करेंगे कि हम जैसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे आगे है हाथ जोड़ता हूँ, पैर जोड़ता हूँ, लेकिन पैर तो जोड़ते हैं ही नहीं, तो इसमें आप पैर जोड़ लेंगे और भद्रासन की स्थिति में नहीं बैठना, तितली जैसी मूवमेंट अप एंड डाउन करनी है। इसीलिए इसे तितली, नाम ही इसका तितली है, तो अप एंड डाउन, लेकिन यहीं यहीं ऐसे ऐसे नहीं करना, पूरा अप डाउन अप डाउन। ये मूवमेंट पूरा आप करेंगे ताकि आप हिप जॉइंट पर इसके प्रभाव को अनुभव करें। 10 बार ऐसा करने के बाद पैरों को खोल देंगे, हाथों को पीछे टिका देंगे, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे, प्रयत्न शैथिल्यम, और फिर धीरे से अपने आसन में बैठ जाएंगे। क्रियाओं का तो नियमित अभ्यास करें ही, साथ ही जो भी वात प्रकृति के भोजन हैं उनसे दूर रहें, यानी ऐसा खाना जो गैस करता है, एसिडिटी करता है, जिसमें वात की मात्रा ज़्यादा है, उस भोजन से आप दूर रहें। प्रयास करें कि सात्विक आहार लें, फिजिकली एक्टिव रहें, और ये बहुत आवश्यक है कि सडनली अपनी एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं, थोड़ा थोड़ा वॉक आप नियमित रूप से करते रहें। मुख्य चीज़ ये कि आप ज़मीन पर बैठना ना छोड़ें। हमने ज़मीन से अपना कनेक्शन ख़त्म कर लिया है, इसलिए हम जीवन में दुखी रहने लगे हैं। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रकृति के साथ समय बिताइए, ज़मीन के संपर्क में रहिए, पेड़ों के संपर्क में रहिए, घास के संपर्क में रहिए। तो जब आप घर पर होते हैं कोशिश करें कि जब भी समय मिले ज़मीन पर बैठें। जैसे हम ज़मीन पर बैठ करके आपके लिए कार्यक्रम लेकर के आते हैं, आलती पालती मार करके बैठें। अब तो हमने मंदिरों में भी, अपने घर पर जो मंदिर होता है उसमें भी कुर्सियाँ रख ली हैं, कुर्सी पर बैठ करके हवन करने लगे हैं, खड़े होकर के किचन का काम करते हैं, तो ज़मीन पर बैठना कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है। ज़मीन पर बैठें, फिजिकली एक्टिव रहें और हमारा कार्यक्रम देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने।